हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनीस कुक। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इडली की एक ऐसी रेसिपी जो कि है बहुत ही हेल्दी, इजी। आप इसे ब्रेकफास्ट या तो फिर टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हो। तो चले अब हम देखते हैं कि ये सुपर सॉफ्ट और इंस्टेंट पालक इडली कैसे बनती है। इस इंस्टेंट और टेस्टी पालक इडली बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पालक। तो यहाँ पर मैंने आधा बंच पालक, इसे मैंने अच्छे से धो कर लिया है। पालक को अच्छे से धोने के बाद अब हम उसे ब्लांच करेंगे। तो इसे ब्लांच करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीले में थोड़ा सा पानी को गर्म करने रख दिया था। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तब पालक ऐड करने से पहले हम उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, उसके बाद हम उसमें पालक ऐड करेंगे। यहाँ पर हम पालक को और कुक नहीं करेंगे, हमें इसे बस ब्लांच करना है। तो यहाँ पर हम उसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से ब्लांच कर लेंगे। आई नो यहाँ पर आपको पालक सुन के बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होगी, लेकिन ट्रस्ट मी, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और खास बात यह है कि बहुत ही जल्दी से बनकर रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर पालक हमारा अच्छे से ब्लांच हो चुका है, तो अब हम उसे निकाल लेंगे। यहाँ पर पालक के हरे रंग को कायम रखने के लिए जब भी आप पालक को ब्लांच करें तब आप उसे निकालकर फौरन ही ठंडे या तो फिर बर्फ वाले पानी में ऐड करें। तो जब भी आप पालक को ब्लांच करें तब उसे निकालकर ठंडे पानी में ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम इस ब्लांच किए हुए पालक की पेस्ट बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार लिया है और उसमें हमने जो पालक को ब्लांच करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही में हम उसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, 1 इंच हम उसमें अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे और यहाँ पर मैंने 3 से 4 कलियां लहसुन की ली है वो मैं इसमें ऐड करूंगी, और 1 छोटा चम्मच हम उसमें साबुत जीरा ऐड करेंगे। इसके साथ ही मैं उसमें ऐड करूंगी 2 बड़े चम्मच दही। अब हम ढक्कन को बंद करके इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी पालक की पेस्ट बनकर आप रेडी है और बहुत ही अच्छा हरा रंग इसका आया है। अब हम इस पेस्ट को एक मिक्सिंग बाउल के अंदर निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं इस रेसिपी में टोटल 3/4 कप दही का यूज कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून हमने पेस्ट में ऐड किया है और बाकी का बचा दही हम इसमें ऐड कर देंगे। अब दही को पालक की पेस्ट के साथ अच्छे से विस्कर की मदद से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे सूजी। यहाँ पर मैंने 1 कप जितना सूजी यानी कि रवा लिया है। पहले हम उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हमें इसे इडली के बैटर की कंसिस्टेंसी जैसा बना लेना है, तो इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। जरूरत लगे तो आप उसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करें और इसे हम अच्छे से मिक्स करके इडली के बैटर की कंसिस्टेंसी जैसा हम उसे बना लेंगे। अब इस बैटर में ऐड करेंगे स्वादानुसार थोड़ा सा नमक और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें उसे रेस्ट करने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर हम बैटर को ढक देंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट हो चुकी है, अब हम सूजी को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सूजी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है और बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं है, सारा पानी सूजी ने अब्सॉर्ब कर लिया है, इसलिए उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब बैटर में लगाएंगे एक तड़का। तो यहाँ पर मैंने तड़का पैन लिया है, उसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा तेल। आप चाहे तो यहाँ पर घी का भी यूज कर सकते हो। अब मैं उसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी राई, उसके बाद मैं उसमें ऐड करूंगी उड़द दाल। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जितनी उड़द दाल ली है वो मैं इसमें ऐड करूंगी। उड़द दाल का कलर हल्का हल्का चेंज होने लगे तब हम उसमें ऐड करेंगे काजू। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू को फाइनली चॉप करके लिया है वो मैं इसमें ऐड करूंगी।
सबको हम अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। यहाँ पर काजू और उड़द दाल का कलर है वो हल्का सा चेंज होके ब्लैक होने लगे, तब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इस तड़के को हम बैटर में ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स होकर अब हमारा इडली का बैटर यहाँ पर रेडी है। अब इडली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने इडली की प्लेट ली है। प्लेट को मैं अच्छे से तेल से ग्रीस कर लूंगी ताकि इडली है वो अच्छे से डिमोल्ड हो सके। यहाँ पर इडली अच्छी दिखे इसलिए मैं गार्निशिंग के लिए 1 से 2 काजू में इस तरह से रख दूंगी। अब इडली बैटर को इस मोल्ड में डालने से पहले हमारी इडली को सुपर सॉफ्ट बनाने के लिए मैं उसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा बेकिंग सोडा और इसके ऊपर मैं ऐड करूंगी 3 से 4 बूंदे नींबू की। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना चाहते हो तो इसके जगह आप इनो का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर हमारा इडली का बैटर अच्छे से मिक्स होकर रेडी हो चुका है तो अब हम बैटर को इडली मोल्ड में ऐड करेंगे। इडली बैटर ऐड करने के बाद प्लेट को हम 1 से 2 बार अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हमारी प्लेट स्टीमर में जाने के लिए अच्छे से रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने पहले से ही कुकर में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी अब हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इस इडली मोल्ड को इसमें रख देंगे। अब हम ढक्कन को बंद करके इसे 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। 12 मिनट हो जाने के बाद अब हम उसे चेक कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी इडली है वो अच्छे से फूल चुकी है। कुकर में से इडली की प्लेट को निकाल लेंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए उसके बाद हम उसे डिमोल्ड करेंगे ताकि ये आसानी से बहुत ही इजीली डिमोल्ड हो सके। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी पालक की इडली बनकर अब रेडी है। अब हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इस हेल्दी पालक की इडली को सुबह ब्रेकफास्ट में, टिफिन बॉक्स में, चटनी या तो फिर सांभर के साथ ले सकते हो। ये इंस्टेंट और हेल्दी पालक की इडली खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है तो आप उसे एक बार जरूर से ट्राई करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।